आज मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी बैली फैट के बारे में, और ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग बहुत परेशान रहते हैं कि क्यों हमारी पेट के इर्द गिर्द जो चर्बी है, जो फैट का कंटेंट है, वो बढ़ता क्यों जा रहा है, दिन ब दिन हमारे कपड़े हमें क्यों छोटे होते जा रहे हैं और हमें अपने गारमेंट्स फिटेड क्यों फील होते हैं। तो ये एक मसला ना सिर्फ मर्दों में बल्कि औरतों में, दोनों जेंडर्स में हमें बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इससे बचने के लिए आज मैं यहाँ पर कुछ सुपर फूड्स डिस्कस करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अब जॉब्स पे भी होते हैं, घर में भी होते हैं, तो उसके अंदर आप कुछ ऐसे सुपर फूड्स का इस्तेमाल करें जो आपको इस मसले से बचा सकें। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ोहा सुहेल, आई एम अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एट मरहम। आज मैं यहाँ पर बैली फैट के हवाले से बात करना चाहूँगी कि वो लोग जिनका बैली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो अपनी डाइट में से क्या चीज़ें शामिल करें कि जिसकी वजह से वो नॉर्मल वेस्ट सर्कमफेरेंस में आ जाए। क्योंकि मर्दों का वेस्ट सर्कमफेरेंस अगर 40 इंच से ज़्यादा हो और औरतों का वेस्ट सर्कमफेरेंस 35 इंच से ज़्यादा हो, तो बहुत ज़्यादा बीमारियों की तरफ वो बढ़ने का रिस्क उनका बढ़ जाता है। जिस तरह से अगर आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस इन दोनों जेंडर्स में एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा होगा, तो डायबिटीज़ का मसला सबसे पहले आपको अटैक करेगा। क्योंकि जब बैली फैट बढ़ता है, पेट के इर्द गिर्द चर्बी की अमाउंट जब बढ़ जाती है, तो आपकी इंसुलिन सबसे पहले काम करना छोड़ देती है। इंसुलिन जब काम करना छोड़ेगी तो सबसे पहले शुगर का मसला आएगा, इसके साथ साथ दीगर रिलेटेड इशूज़ भी शुरू हो जाएंगे और दिल की बीमारियाँ भी उनमें शामिल हैं। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर कुछ ऐसे सुपर फूड्स डिस्कस करूँगी कि उनको शामिल करके आप अपनी डाइट पर जब शामिल करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में लाएंगे, तो आपका बैली फैट रेगुलर वेस्ट सर्कमफेरेंस में आना शुरू हो जाएगा। कभी शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, हमेशा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपको इरिवर्सिबल चेंज की तरफ लेकर आए। सबसे पहले अपनी डाइट में इलायची का इस्तेमाल शुरू करें। इलायची हमारे पास एक बहुत बेहतरीन हर्ब है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करती है, और मेटाबॉलिज्म बूस्टअप करने के साथ साथ हमारे फैट को बर्न करती है। फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ इलायची के अंदर पाई जाती हैं। तो अगर आप इलायची रात सोने से पहले इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि रात सोने के जब हम लोग रात का खाना कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसके बाद बहुत से लोग किसी भी किस्म की फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, जिसकी वजह से बेसिक चांसेस ये होते हैं कि कैलोरी समअप हो जाएंगी और वो सारा आपका वेट पुट ऑन की तरफ लेकर जाएंगे, और बहुत से लोगों में वो सारी कैलोरीज उनके बैली फैट पे एक्युमुलेट हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए रात सोने से पहले इलायची के 3 से 4 दाने इनिशियली एक ग्लास दूध में डालकर ज़रूर कंज्यूम करें, जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म वो भी बेहतर रहेगा, और रात के खाने के बाद जो लोग एक्टिविटी नहीं करते और सो जाते हैं, उसके ज़रिए उनकी कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगी। इलायची के अलावा अपनी डाइट में अंजीर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अंजीर में हमारे पास एक एंजाइम फिसिन के नाम से मौजूद है, जो बॉडी के बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ मिक्स होकर हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो जितनी बेहतरीन आपकी डाइजेशन होगी, जितना अच्छे तरीके से आपका मैदा आपका खाना हजम करेगा, उतना बेहतर तरीके से आपका बैली फैट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो भी आप चीज़ कंज्यूम करेंगे वो बॉडी एक्सपैंड कर देगी, उसको बर्न आउट करेगी, उसको समअप नहीं करेगी। और अंजीर खाने का बेहतरीन वर्क सुबह नहार मूड का वक्त है। रात को एक गिलास पानी के अंदर आप एक अंजीर भिगो दें, और सुबह वो पानी भी और वो अंजीर भी कंज्यूम कर लें, तो उसके ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अपनी डाइट में सेब का सिरका शामिल करें। एप्पल साइडर विनेगर इसको बेसिकली हम कहते हैं, लेकिन इनिशियली इसको आपने हाफ टीस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनिशियली यूज़ करना शुरू कर देंगे तो इससे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, बॉडी रिएक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले 250 ml पानी के अंदर, जो कि नीम गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसमें आप सिर्फ इतनी क्वांटिटी का सिरका डाल के वो आप कंज्यूम करें। और इसका बेहतरीन वक्त सुबह 10 से 11 बजे का वक्त है या शाम 4 से 5 बजे का वक्त है। निहार मुख कंज्यूम करने से इसको अवॉइड करें। सेब के सिरके के अलावा हमारे पास लीमू एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जो फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ रखती है, तो अगर आप लीमू का इस्तेमाल भी करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मुफीद है। लेकिन लीमू का ज़्यादा इस्तेमाल मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि आजकल जिस तरह से गर्मी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि लोग नॉर्मल डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, उससे बचने के लिए लीमू आप ना कंज्यूम करें। क्योंकि लीमू की प्रॉपर्टी के वो डायूरेटिक है, पेशाब आवर है। आप जितना ज़्यादा लीमू कंज्यूम करेंगे उतना आपके बॉडी में से पानी खारिज होगा, जो आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि आजकल जैसा टेम्परेचर भी ज़्यादा है, स्वेटिंग का मसला भी है, तो उसके ज़रिए भी वाटर लॉसेज हो रहे होते हैं। तो अगर आप लीमू का इस्तेमाल करेंगे फैट बर्निंग के लिए, तो आपको वो डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए डिहाइड्रेशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो लीमू का इस्तेमाल मैं इस सीज़न में रिकमेंड नहीं करती, आप बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू के अलावा सेब इजीली अवेलेबल है, हर मौसम में हमारे पास आता है।
सेब के अंदर हमारे पास क्वेरसिटिन मौजूद है और क्वेरसिटिन के अलावा इसमें सॉल्युबल फाइबर्स हमारे पास है। ये दोनों ऐसी चीज़ें हमारे पास कि जो हमारे बॉडी में एक तो फैट के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं और जो क्वेरसिटिन इसके अंदर मौजूद है वो फैट सेल की मेच्योरेशन को रोकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा खाना कंज्यूम करते हैं तो खाना फैट सेल के अंदर स्टोर हो रहा होता है, जो आप बेसिकली जो सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं उसके ज़रिए क्या होता है कि न्यू फैट सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। उनको मेच्योर होने से एप्पल में मौजूदा जो फ्लेवोनॉइड है क्वेरसिटिन है वो रोकता है। तो अपनी डाइट में एप्पल को छिलके के साथ अगर कंज्यूम करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन अगर कुछ लोग छिलका नहीं कंज्यूम कर पाते, जैसे बुज़ुर्ग जो हैं वो छिलका नहीं कंज्यूम कर पाते, तो वो बेशक उसका गूदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गूदे में हमारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं जो उनके बैली फैट को ख़त्म करने में अहम रोल प्ले कर सकती हैं। इसके अलावा ग्रीन टी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह से मैंने बताया कि नींबू गर्मी की सीज़न में मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती, इसी तरह से ग्रीन टी सिर्फ एक कप आप एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। ग्रीन टी में हमारे पास EGCG मौजूद है जो फैट के ऑक्सीडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसका ज़्यादा कंजम्पशन डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जा सकती है। तो एक दिन में सिर्फ एक कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, 10-11 बजे कर लें या शाम में 4-5 बजे कर लें, और किसी टाइम पर इसको कंज्यूम ना करें, लेकिन इससे ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको ना लें। जैसा मैंने एप्पल्स की बात की तो सेब का बेहतरीन वक्त भी आपके पास 10-11 बजे का वक्त है या शाम 4-5 बजे का वक्त है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर जिंजर के बारे में, जिंजर हमारे पास एक बहुत अच्छी एक चीज़ है जो फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ रखती है और हमारे खानों में यूजली अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं उसका कहवे के फॉर्म में बेशक कर लें, एक्सट्रैक्ट निकाल कर, या आप उसको खाने के अंदर डालकर इस्तेमाल कर लें या सैलड के अंदर रख के इस्तेमाल कर लें, तो वो भी फैट को मेटाबोलाइज करने में, फैट को बर्न करने में, आपकी बॉडी में जो इजाफी चर्बी जमा हो जाती है उसको मेल्ट आउट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा काली मिर्च के 3-4 दाने आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, क्योंकि काली मिर्च की प्रॉपर्टी है कि ये फैट सेल की प्रोडक्शन को रोकता है। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि फैट सेल हमारी बॉडी में तब बनते हैं जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, तो आपके पास जो ब्लैक पेपर है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो फैट सेल की प्रोडक्शन को रोक के रखता है। तो अगर आप अपनी डाइट में इनिशियली 3-4 काली मिर्च के दाने पानी के ग्लास के साथ कंज्यूम कर लेते हैं दिन में किसी भी वक्त, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। काली मिर्च के अलावा दालचीनी हमारे पास सिनेमेल्डिहाइड मौजूद है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जो ना सिर्फ आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन को बेहतर बनाता है, बल्कि इसके साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है और मेटाबॉलिज्म के साथ साथ फैट को बर्न करने में भी रोल प्ले करता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में बैली फैट ज़्यादा होने की वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो ख़राब हो जाती है, जिस वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाती। तो अगर आपकी डाइट में वो दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल से उनके इंसुलिन की प्रोडक्शन बेहतर हो सकती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का रिस्क भी कम हो जाएगा। इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इनिशियली आपने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा 1 ग्लास पानी में लेकर बॉईल करना है और उसका एक्सट्रैक्ट कंज्यूम करना है। बहुत से लोग इसका पाउडर भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाउडर कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप सेब के ऊपर इसका 1-2 पिंच जो पाउडर है वो स्प्रिंकल करके भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर अपनी डाइट में आप ये सारी चीज़ें शामिल करते हैं तो इसके ज़रिए आप अपना जो बैली फैट है उसके से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं और इसके थ्रू कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसी डाइट थेरेपीज फॉलो करनी शुरू कर देते हैं कि जिसमें ना उनको कैलोरीज मिल रही होती है ना न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। जब ना वो कैलोरीज कंज्यूम करेंगे ना न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करेंगे, पूरा दिन वो लेथार्जी के अंदर, कमजोरी के अंदर, वीकनेस के अंदर अपने आप को फिर समझ रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ ठीक नहीं है। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आप इन सुपर फूड्स को अपनी रूटीन में शामिल रखें और ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, जो मुतवाजन हो। क्योंकि बैली फैट का मसला तब भर जाता है जब हम लोग गैर मुतवाजन खुराक खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, पूरा दिन बैठे रहते हैं और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इन चीज़ों से ज़रा परहेज़ रखें और सुपर फूड्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।